आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को, सादर जय जलेंद्र। अभी हम खड़े हैं लुधियाना के अहबूवाल में स्थित SS जैन सभा में, जहां आज बाल दिवस के रूप में बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाया गया और सभा के सारे सदस्य मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा रहा आज का कार्यक्रम, क्योंकि बच्चे बहुत सुंदर सुंदर सज-धज के आए थे। किसी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो किसी ने धरती माता को नमन किया। सबसे पहले तो मैं गुरनी जी महाराज का तय दिल से आभार व्यक्त करूंगा और हमारे SS जैन सभा के प्रधान श्री पंकज जैन मालका, श्री महावीर जैन युवक मंडल के प्रधान श्री भूपेश जी, हमारे राजीव जी साथ में खड़े हैं, इन सब का मैं तय दिल से धन्यवाद करूंगा, जिनके पुरुषार्थ के साथ और गुरनी जी की प्रेरणा से आज का जो बाल दिवस का प्रोग्राम था, बहुखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों ने इतने सुंदर विषय के ऊपर अपना जो भी संवाद थे, जो भी उनके डायलॉग थे, बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने पेश किए। देखो, स्टेज के ऊपर आना, पब्लिक के बीच में आके पार्टिसिपेट करना हर बंदे के बस की बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने बड़े ही सुंदर ढंग से जो हमें अपनी ड्रेस के माध्यम से जो प्रेरणा दी, कोई भगत सिंह बन के आया, जो महात्मा गांधी जी के ही बन के आए, किसी ने अवंता मुनि जी का किरदार निभाया, मैं इन बच्चों को बहुत बहुत आगे बढ़ने की, इनको साधुवाद, गुरुओं का आशीर्वाद इनके ऊपर रहे हमेशा। ये बच्चे आने वाला जो हमारा भविष्य है, ये हमारे बच्चे हैं जो निकल के आगे स्थानकों में आ रहे हैं, धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत ही शुभ मंगल कामना करता हूँ प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में, यही विनती करता हूँ कि जो आने वाले या हमारा भविष्य है, हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको आगे धर्म के जो संस्कार हैं ऐसे ही मिलते रहें, आगे ऐसे बढ़ते रहें, जैन धर्म के साथ में जुड़ते रहें। और एक बार फिर से मैं हमारे भूपेश जी, श्री SS जैन सभा के प्रधान श्री पंकज जैन जी, इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ, बड़े ही छोटे से का समय के साथ ये प्रोग्राम को एक अच्छा सफल प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाया। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और गुरनी जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। संजम श्रोमणी जैन भारती महासाधवी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की जय। जब से गुरु महाराज का चतुर्मास प्रारंभ हुआ है, संस्थानकों में तपस्या के धर्म के ठाट लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ महाराज हर रविवार को प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, कभी ज्योति दिवस के उपलक्ष में, कभी युवा दिवस के उपलक्ष में, आज बाल दिवस का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया और बहुत ही कम समय में बच्चों ने 35-40 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया और इतनी भक्ति के साथ, इतने जोश के साथ बच्चों ने जो अपना प्रस्तुत किया, तो जो हमें बड़ी खुशी होती है। गुरुनी जी का एक ही लक्ष्य है, बच्चों को अपने धर्म के साथ, अपने जैन स्थान के साथ प्रभु महावीर की वाणी सुनाकर, अपने प्रभु जी कौन हैं, कैसे उनका जीवन था, उनके जीवन में बड़े संक्षेप से बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। इसके लिए हम गुरुनी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और जो पेरेंट्स आज बच्चों को भेज रहे हैं, आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ सैकड़ों बच्चे स्थानक में आए, जिससे जो हमारा संस्था बनी है, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा होता है। समाज की तरफ से बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, इनाम भी दिया गया। नवीन जैन हमारे श्री महावीर जैन युवक मंडल के कर्मठ कार्यकर्ता, सीनियर स्वाई प्रधान के पद पर हैं और तन मन धन से जो समाज की सेवा करते हैं, कहीं भी ड्यूटी इनकी लगा देते हैं तो वहाँ पर हर समय खड़े मिलते हैं। मैं प्रधान श्री भूपेश जैन, जिनकी पूरी टीम समाज के लिए कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है, मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा साथी ऐसे ही समाज से गुरुओं की सेवा करता रहे। और मैं स्पेशल ब्राह्मणी युवती मंडल की प्रधान मनु जैन, जिन्होंने भी समाज के लिए अहम योगदान दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंतिम मैं गुरुनी मैया का सारे समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा चतुर्मास मिलना कोई आसान काम नहीं है, हमारी क्षेत्र का पुण्योदय था जो हमारी विनती को स्वीकार किया गया और ऐसे चतुर्मास का सभी आनंद ले रहे हैं। आत्मा चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे इस क्षेत्र का नाम ऊंचा करने में सक्षम है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जैन स्थानक में प्रधान पंकज जैन मालकस और युवक मंडल, ब्रह्मणी युवती मंडल, इन सब ने आज बाल दिवस का महाराज जी श्री के चरणों में आयोजन किया। इससे पहले युवक दिवस, युवती दिवस संडे को मनाया गया, आज बाल दिवस में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने मनोभाव, अपने मन की
समाज को कैसे ऊपर लेकर जाया जा सकता है और देशभक्ति के बारे में उनके क्या विचार हैं वो भी समाज के सामने रखे। बच्चों को पूरे समाज की तरफ से पुरस्कार भी दिए गए। इसी तरह बच्चे जब स्टेज पर आते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है और आगे बढ़कर यही बच्चे समाज के लिए एक बहुत ही समझदार और फ़ायदेमंद व्यक्ति बन के सामने आते हैं। जिम्मेवारी अभी से वो बच्चे महसूस करने लग जाते हैं और समाज के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। आज गुरनी जी के सानिध्य में बाल दिवस का आयोजन हैबोवाल स्थानक में किया गया, जो बहुत ही अच्छा रहा। 35 बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, कि कोई भगत सिंह, कोई भारत माता, कोई अनंता मुनि, बच्चों को देखते ही बनता था बच्चों को ऐसे ही संस्कार होने चाहिए। शुरू से ही जो बच्चों को संस्कार ऐसे मिल जाएंगे तो बच्चे, ये बच्चे आने वाले टाइम में जैन धर्म का भविष्य है। और हमें आज ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, हमारा जैन धर्म का भविष्य बहुत अच्छा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि परम श्रद्धे परम पूज्य महासाधवी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहब थाने सात का चतुर्मास हैबोवाल क्षेत्र में चल रहा है और धर्म के कार्य में बहुत सारे कार्यक्रम आगे हो रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ऐसे जैन सभा के प्रधान श्री पंकज जैन मालकस, श्री युवक मंडल के प्रधान श्री भूपेश जैन जी और युवति मंडल के प्रधान श्रीमती मनु जैन जी और सभी कार्यकारिणी की तरफ से आज, जैसे कि पिछले से पिछले रविवार युवक दिवस मनाया गया था और पिछले रविवार युवति दिवस मनाया गया था और आज बाल दिवस मनाया गया है। सभी बच्चों ने, 2 साल से लेकर 14 साल के बच्चों ने आज इसमें प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन किया और बच्चे जैसे भगत सिंह का कोई रूप बन के आए, कोई महावीर स्वामी जी का रूप बन के आए और कोई महात्मा गांधी जी के रूप बन के आए और उसके बारे में जो बच्चों ने प्रस्तुति दी वो बहुत ही सराहनीय थी और समाज की तरफ से उनको सभी को सम्मानित भी किया गया है। इसी तरह बच्चे और उनके जो परिवार के सदस्य हैं स्थानक के साथ जुड़ेंगे। आज लगभग 40 से 50 बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, उनके परिवार के सदस्य भी आए हैं और बच्चे जब ये अभी से ही जुड़ जाएंगे तो आगे जाके स्थानक का, हैबोवाल क्षेत्र का, पूरे लुधियाना का नाम रोशन करेंगे। जय जिनेंद्र। आज जैन स्थानक हैबोवाल में बाल दिवस मनाया गया। सबसे बड़ी विशेषता है कि आजकल बच्चों को संस्कार देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल आने वाली पीढ़ी संस्कार विहीन होती जा रही है, इसलिए बच्चों में जैन धर्म की एक्टिविटी होना ज़रूरी है। बच्चों को जैन स्थानक बुलाने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी रखनी पड़ती है जिससे बच्चे जुड़ते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ा। अभी कार्यक्रम में आपने देखा 40 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम पेश किया और आने वाली 15 तारीख को भी इसी तरह बालकों का कोई ना कोई उत्सव रखा जाएगा जिससे बच्चे धर्म से जुड़े, जैन संस्कारों से जुड़े और गुरुओं के पास आकर कुछ अच्छी बातें सीखे जो उनका भविष्य का निर्माण करने वाली है। आजकल के बच्चों को अपने धर्म और कर्तव्य के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो सदी चल रही है, कलयुग की सदी चल रही है, बच्चों को धर्म से जोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर जगह पे अधर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, हिंसा होता हुआ नज़र आ रहा है और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं अहिंसा परमो धर्म, उस मार्ग पर चलने के लिए बच्चों को अगर बचपन से ही सीख दी जाएगी तो बखूबी अपने कर्तव्य को निभाएंगे। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और इसी तरह से देखते रहें आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ लुधियाना से शिवांगी।